आज एक और बड़ी खबर सामने आई। सोलोमन आइलैंड में 7.3 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही मची है। सोलोमन आइलैंड में जारी किया गया है सुनामी का अलर्ट। भूकंप के बाद सोलोमन आइलैंड में सब कुछ तहस नहस हो गया है। इंडोनेशिया में भूकंप से तबाही के ठीक अगले ही दिन सोलोमन आइलैंड पर भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। आज सुबह सोलोमन द्वीप पर 7.3 की तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया। भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि सब कुछ तहस नहस हो गया। भूकंप के बाद सोलोमन आइलैंड में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से समुद्री तटों से दूर रहने की अपील की गई है। सोलोमन द्वीप पर भूकंप से एक दिन पहले सोमवार को इंडोनेशिया में भूकंप ने ऐसी त्रासदी मचाई थी कि इसकी चपेट में आकर 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। सड़कों पर ऊंची ऊंची इमारतों का मलबा पड़ा है। कितने लोग अभी तक मलबे में दबे हैं ये कहना मुश्किल है। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ जो जहां है उसका वहीं पर इलाज किया जा रहा है। हालात इतने खराब है कि पार्किंग में ही लोगों का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स मजबूर हैं। कुछ घायलों की हालत बेहद गंभीर है। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।